बांदा शहर जो है और ये परिवार जिनके परिवार के शेख सादी उज्जमा साहब ने, डॉक्टर शेख सादी उज्जमा साहब ने जो ये वाटर कूलर का लगवाकर आज इसका उद्घाटन सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा किया गया, ये परिवार बांदा शहर में 267 साल से निवास कर रहा है। आज से 267 साल पहले बैरिस्टर यूसुफ जमा खां, जो वो यूसुफ जमा साहब बांदा आए और इस मंदिर के पीछे उनकी कोठी तामीर है 1752 में, जबकि यहां नवाबी 1762 से शुरू हुई और ये परिवार 10 साल पहले यहां आ चुका था। फिर उनके वंशज असद जुम्मा साहब यहां रहे, फिर अनवर उज्जमा साहब यहां रहे और वर्तमान में डॉक्टर शेख सादी उज्जमा के वालिद शेख हादी उज्जमा साहब यहां रहे और इन्होंने जब से ये खानदान यहां आया, जो परिवार यहां आया और इन्होंने यहां पर शहर में सामाजिक एकता समता और समरसता के लिए सदैव काम किए हैं। मैं एक आध उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि शेख यूसुफ उज्जमा साहब जब बांदा आए, काबिज हुए तो यहां जमींदारी बांदा में दसाने उनकी थी, वो चूंकि इंग्लैंड से आए थे यहां रह रहे थे और उनके मुख्तार रहीम बख्श जो खुटला में निवास करते थे, शहर में पहली होली जलवाने का, क्योंकि इसके पहले होली मनवाई जाती थी, जलाई नहीं जाती थी, पहली होली जलवाने का जो श्रेय है शेख यूसुफ उज्जमा साहब को है। और जब वो होली में जो हिंदुओं की टोलियां निकलती थी, सभी जातियों की टोलियां निकलती थी, तो इसी बलखंडी इलाका के इलाके में बड़े बड़े रंग के कड़ाव क्षेत्र गुजिया पपड़िया इत्यादि करके वो सारे लोगों का स्वागत करते थे और हमेशा सामाजिक सौहार्द के लिए काम किया।